नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल भारतीय रेलवे। दोस्तों, भारतीय रेलवे का लगभग 200 वर्ष पुराना इतिहास अब होने जा रहा है। भारत के ऐसे अनेक रेलवे स्टेशन हैं जो वैभवशाली हैं और वैभवशाली भारत की झलक प्रस्तुत करते हैं। इनमें से ही एक है रेलवे स्टेशन जोधपुर का, जो राजस्थान में स्थित है। 1885 में रेलवे का लाइन यहाँ पर पहली बार बिछाई गई, जिस पर पहली ट्रेन जोधपुर से लूनी तक चली। उसके बाद 1898 में जोधपुर व बीकानेर के बीच रेलवे लिंक का आरंभ किया गया। वहीं सर 1900 में जोधपुर हैदराबाद के बीच में, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, यहां से लिंक का आरंभ किया गया। भारतीय रेलवे IR एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का ये चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दोस्तों, यह 150 वर्ष तक और उससे भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें लगभग 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी मौजूद हैं। यह न केवल देश के लिए मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि बिखरे हुए क्षेत्र में एक साथ उसको जोड़ने और देश राष्ट्रीय अखंडता का एक संवर्धन भी करता है। किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेल अग्रणी रहा है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में अंतर्देशीय परिवहन का रेल एक मुख्य माध्यम है। यह ऊर्जा सक्षम परिवहन मोड और बड़ी मात्रा में जनशक्ति के आवागमन के लिए एक बड़ा ही आदर्श एवं उपयुक्त, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ही उपयुक्त साधन है। ये बड़ी मात्रा में वस्तुओं को लाने ले जाने तथा लंबी दूरी तक यात्रा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भारत में यह देश की जीवन धारा है। इसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि सुस्थापित रेल प्रणाली देश के न्यूनतम स्थानों में से लोगों को एक साथ मिलाती है। क्योंकि यह व्यापार करना, दृश्य दर्शन, तीर्थ और शिक्षा संभव बनाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिक्षा का आदान प्रदान भी इसके माध्यम से बड़ा ही सरल हुआ, क्योंकि भारत तीर्थों और सांस्कृतिक धरोहरों का स्थान है। ऐसे में भारत के करोड़ों यात्री हमेशा हर साल तीर्थ यात्रा करते हैं, जो भारतीय रेलवे ने सुगम और सरल बना दिया। न जाने कितने ही लोग हैं, बल्कि पूरे देश का जीवन स्तर भी रेलवे ने सुधारा है। भारतीय रेलवे में चाहे उद्योग हो चाहे कृषि, विकासशील त्वरित करने में सहायता है। जहाँ जहाँ भी भारतीय रेल पहुँची है, उस क्षेत्र का न केवल विकास हुआ है, बल्कि वहाँ पर शिक्षा, संस्कृति और भी अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अंदर फलती फूलती हैं, उनका विकास हुआ है। भारत का ये रेलवे तंत्र पूरी तरह से हृदय तंत्र है। जिस प्रकार मानव शरीर में बहुत सारी ऐसी तंत्रिकाएं और नसें होती है जो खून के बहाव को पूरे शरीर में लेकर जाती है, उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था और तकनीकी तथा कई तरह के विकासों में भारतीय रेलवे उन्हीं नसों की तरह काम करती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे देश में घूमती है। खैर दोस्तों, ये थी भारतीय रेल की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम भारतीय रेलवे का इतिहास आपको बताएंगे और इसके साथ साथ पूरी भारतीय रेल प्रणाली के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और कौन कौन से बड़े बड़े स्टेशन हैं जहाँ से पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था में पूरा योगदान रेलवे का रहता है और रोज़ाना कितने यात्री वहाँ से आवागमन करते हैं, इसकी जानकारी भी हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तब तक के लिए आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।